हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिल्पास फूड कोर्ट। आज हम बना रहे हैं भरवा मिर्च। भरवा मिर्च बनाने के कई सारे तरीके होते हैं। आज मैं आपको अपना एक मेथड बताऊंगी, जिससे ये बहुत ही टेस्टी भरवा मिर्च आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने भरवा मिर्च के लिए ऐसी मोटी वाली मिर्च ली है। फ्रेंड्स, ये कम तीखी वाली मिर्च है। ऐसे आपको बीज से चाकू की हेल्प से इन्हें कट लगा लेना है एक, और इसका जो बीज है वो नहीं निकालेंगे हम। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है। 2 चम्मच हम इसमें तेल ऐड कर देंगे। हल्का गरम होने पे इसमें सबसे पहले हमें ऐड कर देनी है हींग। बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं करना है, नहीं तो हींग जल जाएगी। आप हल्का ही तेल को गरम करके उसमें हींग ऐड कर दें। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ राई की दाल, मेथी दाना, सौंफ, जीरा और कलौंजी। इससे जो टेस्ट है आपकी भरवा मिर्ची का, वो बहुत ही टेस्टी आएगा। तो इस तरीके से इन सबको हम डाल देंगे। ये तड़का जो है बहुत अच्छा लगना चाहिए आपका। तड़का जितना आप अच्छा लगाएंगे, उतनी ही आपकी जो मिर्ची है वो भी खाने में टेस्टी लगेगी। तो हल्का सा इन्हें ऑयल में सॉटे करने के बाद मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कट कर ली है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। अच्छे से हमें प्याज को भूनना है। बहुत इसमें से एक आप जैसे ही प्याज ऐड करेंगे अच्छे से खुशबू आने लगती है, और प्याज को गोल्डन होते तक हमें अच्छे से इसी तरीके से भून लेना है। आगे मैंने इसमें 1/2 कप बेसन ऐड किया है, और इस बेसन को हम प्याज के साथ चलाते हुए लगातार भूनेंगे, जब तक ये जो बेसन है इसका पूरा कलर ना चेंज हो जाए और इसमें से बहुत अच्छी भुनी हुई खुशबू ना आने लगे। तो आपको कंटिन्यू इसे स्टिर करते रहना है, नहीं तो ये नीचे से चिपकने लगेगा। तो ऐसे आपको कंटिन्यू इसे स्टिर करना है। आगे हम मसाले ऐड कर रहे हैं। मैंने यहाँ 1/4 चम्मच हल्दी ऐड की है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया है, और थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने ऐड करें। मसालों को भी बेसन के साथ हम अच्छे से भून लेंगे। बहुत टेस्टी लगती है ये मिर्चियाँ। 1 चम्मच मैं यहाँ आमचूर का पाउडर ऐड कर रही हूँ, ये ना हो तो आप नींबू का रस ऐड कर दें। और 1/4 चम्मच मैंने इसमें शुगर ऐड की है, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। अच्छे से मसाले को भून लेना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसन जो है कच्चा रह गया तो ये दांत के नीचे आएगा और आपको एक कच्चा कच्चा सा जो फ्लेवर है वो देगा। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट 10-15 मिनट भूनने पे स्लो फ्लेम पे ये पूरा भून चुका है, और मैंने इसे प्लेट में निकाल के ठंडा भी कर लिया है। अब हम इसे अपनी मिर्चियों के अंदर स्टफ़ करेंगे। ये कम तीखी वाली मिर्चियाँ हैं फ्रेंड्स, आप इसकी जगह पे जो डार्क ग्रीन मिर्चियाँ आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खाली वो इससे ज़्यादा तीखी होती हैं। तो मसाले को इस तरीके से हम जो स्लिट किया था हमने मिर्ची को, उसके अंदर हमारे भर देंगे। अच्छे से स्टफिंग करनी है दबा दबा के, ताकि ये मिर्चियाँ जो है पूरी तरीके से मसालों से भर जाए। तो इस तरीके से उंगलियों से आप प्रेस करते हुए फिंगर्स की हेल्प से अच्छे से मसाला इसमें भर दें। इसे आपको बांधने की या किसी भी तरह से अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। हम इन्हें स्टीम करते हुए पकाएंगे तो मसाला अपने आप अंदर सेट हो जाता है। सारी मिर्चियों में हमें इसी तरीके से मसाले को अच्छे से भर लेना है। बहुत ईजी मैथड है, लेकिन इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगता है। आप पूरी पराठों के साथ, दाल चावल के साथ इन्हें यूज़ कर सकते हैं बनाकर। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती हैं ये मिर्चियाँ। तो ये देखिए, सारी मिर्चियाँ मैंने ऐसे ही भर ली है। इनका टेक्सचर ही इतना माउथ वाटरिंग है। अब हम इन्हें स्टीम देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ऑयल ऐड किया है पैन में, और सारी मिर्चियों को हम स्लोली स्लोली इसके ऊपर रख देंगे। इसे हमें ढक ढक के स्टीम में ही कुक करना है, ताकि ये अच्छे से इक्वली चारों तरफ से कुक हो जाएं। तो ये देखिए, मैंने मिर्चियाँ रख दी है। अब हम इसको कवर कर देंगे, और हर 3-4 मिनट बाद में इन्हें हल्का हल्का सा साइड चेंज करेंगे। तो 5 मिनट बाद देखिए, मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप इन्हें अलट पलट करते रहें स्लोली स्लोली,
मसाला बहुत ज़्यादा बिल्कुल बाहर नहीं आता है, क्योंकि जब हम स्टीम दे के पका रहे हैं तो मसाला अंदर के अंदर ही अच्छे से सेट हो जाता है। तो ये देखिए मेरे कॉर्नर से अच्छे से इसे पलट दिया है। फिर से हम इसे ढक देंगे और फिर से 2-3 मिनट के बाद में इसको चेंज करेंगे साइड। ये देखिए मिर्चियाँ जो है अच्छे से सिकना स्टार्ट हो गई हैं। तो इस तरीके से आपको 10 मिनट के अंदर ये मिर्चियाँ जो है अच्छे से सिक के तैयार मिलेंगी। फिर से एक बार चेक करते हैं। ये देखिए हमारी मिर्चियाँ पूरी तरीके से हो गई हैं रेडी। 5 मिनट ढक के हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। ये देखिए मैंने ये मिर्चियाँ एक प्लेट में निकाल ली है। बहुत अच्छी बनी है ये मिर्चियाँ, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आप इन्हें बनाकर खाएं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है ये, ट्रैवलिंग में आप इन्हें लेके जा सकते हैं। इसका जो मसाला है फ्रेंड्स, आप एक बार में ही भून के एक एयरटाइट कंटेनर में डालकर रख सकते हैं। जब भी आपका मन करे फिर सिर्फ आपको मिर्ची के अंदर इन्हें भरना है और इस तरीके से इन्हें पका लेना है। काफ़ी लंबे समय तक आप इन्हें अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती हैं बहुत ज़्यादा जल्दी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।